आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था, आज की क्लास में आपको व्यू टैब के बारे में समझना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो पेज का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, इसके लिए हम व्यू टैब का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे कि पेज का जो व्यू होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट में आपका दिखा रहा है ना। यदि हम इस व्यू को चेंज करके अगर हम रीडिंग मोड में करेंगे तो देखिए यही आपका पेज कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये रीड मोड में हो गया, मतलब आप इसको केवल रीड कर सकते हैं, उस मोड में ये डेटा हो गया। डेटा सारा वही है लेकिन पेज का प्रारूप क्या हो गया, चेंज। और पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे आइए और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे बस क्लिक कर दीजिए, पुनः पहले की अवस्था में आप आ सकते हैं। और फिर व्यू टैब में अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो वेब लेआउट। अब ये पेज आपका वेब लेआउट के मोड में हो जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट, आप यहाँ पे इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया और यही पे कंट्रोल यू दबा करके इसका पूरा कोडिंग हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो देखिए, ये वेबसाइट के रूप में दिया है, सेम उसी इसी इंटरफेस में ये भी आपका डेटा दिख रहा है, देखिए मैच कर रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेब लेआउट मोड। फिर इस मोड को चेंज करके आप यहां से आउटलाइन में भी आ सकते हैं, देखिए आउटलाइन में कैसे दिखा, समझ में आ रहा है। अब यहां से आप इसको क्लोज करिए। फिर और भी इसमें ऑप्शन आपका क्या दिया है, तो आप इसको ड्राफ्ट मोड में भी लेके आ सकते हैं, ये ड्राफ्ट में कुछ ऐसे दिखाएगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट लेआउट में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद से फोकस के बारे में मैंने कल आपको बताया था, इसमें दो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें आप इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं डेटा, ये कुछ ऐसे जूम करके आपको दिखाता है, स्केप से आप इसको बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे दिया है इम्प्रेसिव रीडर, कुछ इम्प्रेसिव रीडर के तरीके से हो जाएगा पेज, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये कुछ इम्प्रेसिव आपको दिख रहा है, अट्रैक्टिव आपको दिख रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। और बंद करना तो आप इसको यहां से बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारा व्यू टाइप में ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब इसके पास से यहाँ पे लिखा हुआ है साइड टू साइड, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए पेज आपका कैसे दिख रहा है, ये साइड बाय साइड वाला हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन पहले किस में था, पहले प्रिंट आउट में था, अब यहां से आप इसको हटाएंगे तो पहले की अवस्था में हो जाएगा। वर्टिकल ले सकते हैं, वर्टिकल में ऐसे हो जाएगा, साइड टू साइड दिया है, वर्टिकल आपका दिया है, वर्टिकल का मतलब लंबवत में पेज में ऐसे दिखेगा आपको, और साइड टू साइड करेंगे तो छोटा छोटा पेज ऐसे आपको दिखाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, रूलर, क्या इस पेज पे रूलर आपको दिख रहा है, बोलिए। तो रूलर पे जब तक आप ट्रिक नहीं करेंगे तब तक रूलर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। अब देखिए रूलर आपका दिखने लगा, यहां से हटाना है तो आप इस रूलर को हटा भी सकते हैं। अब इसके पास से क्या दिया है, ग्रिड लाइंस, ये पेज को कुछ ग्राफिकल के टाइप में बना देगा, कुछ ऐसे दिखने लगेगा पेज आपका, देखिए। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से इसको डिसेबल ना करें, अगर इसको बंद करके पुनः नया पेज भी आप लेंगे तो भी ये ग्रिड लाइंस ऑप्शन आपका हटेगा नहीं, आप वो देखिए जब तक आप इसको हटाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नया पेज ले लिया, अब यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिखेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस ऑप्शन को हटाने के लिए जरूरी है कि पहले आप व्यू टैब वाले ऑप्शन पे आ जाइए और यहां से आकर के आप यहां से इसको आप हटा भी सकते हैं। और नेविगेशन पेन क्या होता है, तो नेविगेशन पेन के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, याद है। अरे नेविगेशन में किसी वर्ड को फाइंड करना हुआ या फिर किसी वर्ड को रिप्लेस करना हुआ, ये सारा आपका नेविगेशन ऑप्शन में दिया था। तो यहाँ पे जैसे ही नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देखिए ये नेविगेशन पेन होता है। अब यहाँ पे किसी वर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ पे रिजल्ट पे जांच करना है तो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यही रिजल्ट आपको यहाँ पर भी दिखाएगा, देखिए हाईलाइट किया हुआ है। पेज देखना है तो यहाँ पे पेज भी आप देख सकते हैं कि कई को पेज आपने लिया हुआ है। तो ये हमारा नेविगेशन पेन होता है। अब इसके बाद से यहाँ पे दिया है जूम, तो इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाया होगा एमएस वर्ड की पेज को अधिकतम कहाँ तक जूम किया जा सकता है, 500% तक। तो यहाँ पे जैसे ही जूम पे क्लिक करते जाएंगे
तो ये पेज का साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए पूछ रहा है कहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कितना, जितना भी आपको देना हो यहाँ पे क्लिक करिए 200, ओके करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इतना सारा बढ़ाने के बाद भी आप यहाँ से भी तो बढ़ा सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन आपको बताया था, ये हमारा क्या होता है स्टेटस बार होता है, और स्टेटस बार के माध्यम से भी आप पेज की साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इतना आपने बढ़ा दिया, टोटल 460 हो गया। अगर आप 100 पे आएंगे तो टाइम लगेगा ना, बस यहीं पे आप 100 पे क्लिक कर दीजिए। समझ में आ रहा है? इसके बाद से यहाँ पे दिया है वन पेज, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे आपको दिखेगा, देखिए ये वन पेज में होगी, और मल्टीपल पेज, एक साथ मल्टीपल पेज आपको दिखाएगा। आप देखिए, समझ में आ रहा है? ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। और इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पेज विथ और मल्टीपल। पेज विथ पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज देखिए कितना हो जाएगा, 157 पेज की साइज होगी। जैसे अगर हम मल्टीपल पेज कर रहे हैं तो पेज की साइज छोटा दिख रहा है, बोलिए, मात्र 45 दिख रहा है। हम चाहते हैं कि 100 से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे पेज की विथ बढ़ा दीजिए। अब कितना दिख रहा है, 157 आपको दिख रहा है। पुनः 100 पे लेके आना चाहते हैं तो 100 पे क्लिक करेंगे तो 100 पे भी आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है न्यू विंडो। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि हम इस डेटा को सिलेक्शन करते हैं और यहां से हम इसकी कुछ कलर भी कर लेते हैं और इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब ऐसे आपसे कहा जाए कि ऐसी तरीके से हूबहू एक पेज आप ओपन करा दीजिए, जिस तरीके से डेटा आपने इस पेज पे लिखा है वैसे ही डेटा एक और भी पेज पे आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप आइएगा व्यू टैब पे और यहाँ पे आइएगा न्यू विंडो वाले ऑप्शन। देखिए दो विंडो मिल गया। अब अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करेंगे, जैसे कि सिलेक्शन करके और मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन कलर, तो ये चेंजिंग इस पेज में भी हुआ होगा, देखिए हुआ है ना, क्योंकि इसी का एक कॉपी बन जाता है, यही हमारा न्यू विंडो का वर्क है। अब जैसे मान के चलिए आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है, कहाँ पे, टास्क बार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड करके दिखा दें, तो इसके लिए आप सबसे पहले व्यू टैब पे आइएगा और यही पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अरेंज आल, दिया है, इसे पे क्लिक करेंगे तो अरेंज करके कुछ ऐसे दिखा देगा आपको। देखिए फर्स्ट पेज पे देखिए, सेकंड पेज पे वही डेटा है। आप यहां से सिलेक्शन करके कोई चेंजेस करिए, क्या चेंजेस सेकंड में होगा कि नहीं होगा, बोलिए, हो रहा है चेंजेस, मतलब कि इसका एक कॉपी बन जाता है, अंडरलाइन करेंगे तो इसमें भी अंडरलाइन होगा, साइज बढ़ाएंगे तो इस नीचे वाले में भी साइज बढ़ेगा, ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो ये हमारा अरेंज का प्रयोग होता है। और भी व्यू में क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो अब जैसे कि मान के चलिए कि ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड करके दिखाए, तो इसके लिए बस यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर लीजिए। अब साइड बाय साइड में देख सकते हैं कंपैरिजन करके। अब चलिए अगर हम इस पेज में चेंजेस करेंगे तो इस पेज में चेंजेस होगा कि नहीं होगा, देखिए मैंने इतना सारा डेटा को सिलेक्शन किया और यहां से बस कंट्रोल यू से अंडरलाइन करते, का सब में चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ, इसी के एक टू कॉपी बन जाता है। लेकिन आप देखिएगा अगर हम इस पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो दोनों पेज आपका ऊपर नीचे होगा, देखिए हो रहा है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर केवल हम इसी को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पुनः व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। देखिए साइक्रोनस स्क्रॉलिंग दिया है, अरे पेज को बड़ा कर लीजिए, पेज को बड़ा करेंगे तो भी यहाँ पे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग मिल जाएगा आपको, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, बस इसी को इनेबल करना होता है आपको। देखिए जो इनेबल है, आप सबसे पहले आ जाइएगा कहाँ पे, विंडो वाले ऑप्शन पे, और बस आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो केवल यही घूमेगा, इससे फायदा क्या होगा, तो केवल यही घूमेगा। क्या दोनों घूम रहा है, दोनों तब घूमेगा जब आप विंडो पे आकर के और आप यहाँ पे आप इसको इनेबल कर देंगे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब देखिए दोनों घूमेगा, समझ में आ रहा है। और वही अगर आप इस ट्रिक को हटा देते हैं तो जो आप चाहेंगे बस उसी पेज को आप घुमा पाएंगे। देखिए
कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये हमारे व्यू टैब में ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और भी इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तो रिसेट विंडो पोजीशन जिस तरीके से था हमारा वैसे आ जाए साइड बाय साइड से, तो यहाँ पे क्लिक करिए आ गया। फिर आप पेज को बड़ा करिए, फिर आप चाहते हैं कि जैसे पेज था वैसे लेके आ जाए, तो यहाँ पे आप रिसेट कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये इसका वर्क होता है। अब चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, तो अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है स्विच विंडो। तो स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने बहुत सारा विंडो ओपन कर दिया और एक विंडो से दूसरे विंडो पे आप जाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्विच विंडो। तो ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे देखिए कई सारा विंडो पहले आप यहाँ पे ले लीजिएगा, बस न्यू विंडो पे क्लिक करके व्यू टैब पे आइए, न्यू विंडो। अब देखिए कितना सारा विंडो आपको मिलेगा, मिल गया ना। अब देखिए अब 21 विंडो पे आप हैं, चार नंबर पे हैं, और पुनः व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए स्विच विंडो पे, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट नंबर 3। अब ये 3 नंबर के विंडो पे आ जाए, फिर यहाँ पे ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट नंबर 2, ये दूसरे नंबर के विंडो पे आ जाए, हो जाएगा। अब चलिए और व्यू में एक लास्ट ऑप्शन आपका दिया है मैक्रोज, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F8। अब इसका प्रयोग क्या है, तो जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा डेटा है जो आप बार बार लिखना चाहते हैं, या अपना नाम ही मान के चलिए कि आप पेज पे बार बार लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करिएगा, अब चूंकि बार बार आपको लिखना होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। अब हम ये चाहते हैं कि उस डेटा को रिकॉर्ड करके और कोई शॉर्टकट की के माध्यम से उसको बार बार हम लिखें, तो इसके लिए आप आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आइएगा रिकॉर्ड माइक्रो पे, और यहाँ पे माइक्रो नेम पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। पहले देखिए इसमें से पहले से कुछ नाम नहीं दिया गया है, अगर पहले से कुछ नाम दिया होगा तो दिक्कत होगी, नाम नहीं दिया गया। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आना है कहाँ पे, रिकॉर्ड माइक्रो पे। अब यहाँ पे माइक्रो का नाम पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 9, और यहाँ पे कीबोर्ड आप ले लीजिए, ये नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरा नाम दे रहा है, मतलब कि हिंट के लिए आपको कुछ नाम आपको देना है, बस ये समझिए। अब यहाँ पे आपको लेना है कीबोर्ड, और फिर यहाँ पे मांगा जा रहा है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की समझिए क्या आपको देना, शॉर्टकट की अल्फाबेटिकल नहीं एक्सेप्ट करेगा, नंबर नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो फंक्शन भी एक्सेप्ट करेगा, या फोन से लेकर के और एक्सपर्ट तक कोई भी एक फंक्शन की यहाँ पे आप दबा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शॉर्टकट की मैंने लिया F4, क्या लिया F4, और F4 लेने के बाद यहीं पे बस आप साइन पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब यहां से इसको क्लोज कर दीजिए, इसमें कुछ दिखा हुआ मिल रहा है, ये रिकॉर्ड करेगा जो भी टाइप करेंगे ना उन सबको रिकॉर्ड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पटरोना, अब हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल पटरोना लिखा हुआ आए, तो सोचिए अगर हम पटरोना लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ना, लेकिन ये क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया उस वर्ड को। अब इसके बाद से आइए व्यू टैब वाले ऑप्शन पे और माइक्रोज ऑप्शन पे आइएगा, और यहां से आपको स्टॉप कर लेना, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेना, और फिर माइक्रो पे आकर के और व्यू माइक्रो पे आकर के और यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना। अब क्या मैंने फंक्शन की दबाया था, बस F4 दबाते जाइए, नहीं समझ में आया किसको, किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है सबको समझ में आ गया, तो मतलब क्या बताने की जरूरत नहीं है ना। अब आगे नहीं क्वेश्चन सर, एक बार और बता दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो पहले से आपने माइक्रो लगाया उसको पहले आप यहाँ से डिलीट करिए। आप सोच रहे होंगे कि सर डिलीट क्यों कर रहे हैं, तो डिलीट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान के चलिए अगर आपने दोबारा से भी F4 दे दिया तो कहाँ से उस वर्ड को टाइप करेगा वो, इसके लिए डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आइएगा कहाँ पे, माइक्रो पे आना है और रिकॉर्ड माइक्रो पे आना है, और यहाँ पे आपको और कुछ नाम दे देना है जो भी नाम आपको देना हो, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा कीबोर्ड, और यहाँ पे फंक्शन की मांगा जाएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया F7, और यहाँ पे साइन कर दीजिए और यहाँ पे इसको क्लोज करिए। अब क्या लिखना है, क्या लिखना है,
उसका कोई प्रयोग नहीं है, बस कीबोर्ड का ही माध्यम है इसमें। अब लिख दिया मैंने ना, अब इसके बाद से आप आइएगा कहाँ पे, माइक्रोज पे, और यहाँ से पहले आप इसको स्टॉप करिएगा, और स्टॉप करने के बाद तब यहाँ पे आना है व्यू माइक्रोज पे, और यहाँ पे आपको लेना है क्या, और क्या शॉर्टकट की मैंने दबाया था, F7 बटन दबाते जाइए, हो जाएगा। तो ये हमारा माइक्रोज का प्रयोग होता है। चलिए अगला ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना प्रॉपर्टीज एमएस वर्ड का, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बस यही आपका एमएस वर्ड था। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल पूरा। हाँ ना, अच्छा नहीं।